आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मृतकों का आंकड़ा 10,000 पार, भीड़ का फायदा उठाकर चुराए सोने के आभूषण, युवती से छेड़खानी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। फिलहाल जिले में 313 एक्टिव केस है। इस बीच शहर के एक मरीज की मौत हो गई। पिछले वर्ष मार्च से लेकर अब तक जिले में मरने वालों का आंकड़ा 10,115 तक पहुंच गया है। इनमें शहर के 5,891 और ग्रामीण के 2,603 लोगों की जान चली गई। वही 1,621 मरीज अन्य जिलों के रहे। अब कोरोना का प्रकोप कम होने लगा है। शुक्रवार को 10 नए पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 6 महीने में यह संख्या सबसे कम है। इसके साथ ही अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 4,92,728 हो गई है। इनमें शहर के कुल 3,39,880 और ग्रामीण के 1,40,054 लोगों का समावेश रहा है। 24 घंटे के भीतर 6,669 लोगों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि अब वायरस कमजोर होते जा रहा है, साथ ही कोरोना पाबंदियों का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने अगले महीने यानी 15 अगस्त के बाद से एक बार फिर मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। यही वजह है कि प्रशासन ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। दूसरी खबर, कोतवाली थाना अंतर्गत भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला के बैग से 60,000 रुपए के सोने के गहने चुराने का मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालकृष्ण नगर निवासी शोभा अशोक राव भापकर शाम करीब 4:30 पर खरीदी करने महल स्थित केलीबाग बाजार गई थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैग में सोने के गहने चुरा लिए। घर आने पर उन्हें चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीसरी खबर, हुड़केश्वर थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन पर जा रही युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी गणेशपेट परिसर निवासी सागर सालवे बताया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 पीड़िता अपने काम से जा रही थी। इस समय नवनाथ ITI रोड पर सागर ने उसे रोका और अश्लील हरकतें की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विनय भंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।